हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हम सबकी एकेडमी ललिता दहिया एकेडमी पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि सिलेक्शन लेना है, यदि फाइनल सिलेक्शन लेना है, वास्तव में लेना है, तो फिर हमको कहाँ कहाँ फोकस करना पड़ेगा, कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम स्पष्ट करेंगे इस बात। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका। फटाफट बात करते हैं इस बार के जो हिंदी माध्यम के दो टॉपर्स रहे हैं, रवि कुमार सिहाग और जो सुनील धनवंता हैं, इनकी हम मार्कशीट को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को फिक्स करेंगे कि हमें हिंदी माध्यम में या फिर यदि कोई इंग्लिश माध्यम का भी बच्चा सुन रहा है, हमें कहाँ पर फोकस होने की ज़रूरत है, कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, इनके यदि मार्क्स का मैं एनालिसिस करूँ एक एक करके, तो हम जिनकी रैंक 18 आई है, रवि कुमार सिहाग, उनके मार्क्स यदि देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्से में। एस्से में यूजुअली हिंदी माध्यम को बढ़िया नंबर आते हैं, लेकिन अब मुझे अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैम हम एस्से जो है सबसे पहले एस्से करेंगे, ये अपने आप में मजाक होगा। आप अकेले एस्से नहीं पढ़ सकते हो, आपको एक बेहतर एस्से लिखने के लिए एक बैकअप की जरूरत है। तो कैसा बैकअप जी? आपको पहले जीएस के जो चारों पेपर है ना दोस्तों, पेपर 1, 2, 3, 4, इन चारों पेपर को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करना होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, इन सब विषयों को पढ़ोगे बहुत ही शानदार तरीके से। पर्यावरण, ये जो क्या नाम है, आपदा प्रबंधन, एनवायरमेंट, जब इन विषयों को आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लोगे, उसके बाद आप ऐसे बेहतर लिख पाओगे। यदि आप कहो कि मैं तो ना जी, मैं तो ऐसे से ही तैयारी शुरू करूंगा, और तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, मेरी बात से आप सहमत होंगे। तो हमको अपना फोकस करना है सबसे पहले इन चार एरियाज। अब जैसे हम यदि रवि कुमार सिहाग के एग्जाम्पल से लें, इनका सेकेंड पेपर में 118 नंबर आया है। यूजुअली सेकेंड पेपर में सामान्य जो अंक आते हैं वो 80 के आसपास आते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट के 80 से 85 मान लो। इन्होंने लगभग 20 से 28 नंबर का एक एज लिया है। वो कैसे लिया? आप यदि इनका इंटरव्यू भी सुनोगे रवि कुमार सिहाग का, तो इनके पास ना फैक्चुअल नॉलेज है हर चीज से संबंधित। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आया उसमें जो है भूमिका में ही हमने बहुत सारा समय गंवा दिया, वो एक सही तरीका नहीं होता। आपको मेंस में कई चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो टू द पॉइंट आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय नहीं होता है कि हम अपने ज्ञान को उड़ेल दें। जितना वो होता है ना कि एक क्वेश्चन आ गया पढ़ा हुआ, लगता है कि सारा ज्ञान यही उड़ेल दें, हमको इस प्रवृत्ति से बचना होगा। हमको टू द पॉइंट आंसर की शुरुआत करनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, हमको कुछ फैक्चुअल डेटाज कलेक्ट करने होंगे कि भाई कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, कि भाई इससे संबंधित कौन सा वाद यदि हमें याद है, इससे संबंधित यदि हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स के डेटाज हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वेस के डेटाज हैं, या फिर अलग अलग रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की आती है, ADR की आती है, अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, तो उनकी हमारे पास एक कलेक्शन होना चाहिए अच्छा खासा, 4-5 पेज का, रिपोर्ट्स का, आर्टिकल्स का, कुछ वादों का, जिससे हम एक आंसर को बहुत ही बेहतर बना सके। नॉलेज के साथ साथ उसमें फैक्चुअल नॉलेज भी डालना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस यदि कोई नया बच्चा मुझे सुन रहा है, एक दिन में हो जाए तो एक दिन में नहीं होगी। आप जब पढ़ते हैं चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से, जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक साल में, छह महीने, एक साल, डेढ़ साल में आपको लिखना आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप से नहीं आएगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं फोकस एरिया की। तो दोस्तों हमें अपने जीएस पे बहुत ही बढ़िया तरीके से फोकस करना पड़ेगा, और इस जीएस में भी सबसे ज्यादा फोकस हिंदी माध्यम, मैं स्पेशली हिंदी माध्यम की बात कर रही हूँ, एथिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। एथिक्स में रवि सिहाग के 117 नंबर आए हैं, ऐसे ही धनवंता के, आप सुनील धनवंता जी के आप देखोगे तो 105 नंबर आए हैं। तो एथिक्स में यूजुअली 80 नंबर भी आ जाते हैं, तो ये जो एज है ना 20, 25, 30 नंबर बढ़ाने का स्कोप है, ये एक्स्ट्रा मेहनत से आएगा। ठीक, वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको केस स्टडीज में करनी होगी। आप आंसर जो लिखते हैं, अपने आंसर को थोड़ा स्पेसिफिक बनाना होगा। आप कुछ फैक्ट दोगे, कुछ डेटा दोगे, कुछ आप एग्जाम्पल्स दोगे, एथिक्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर आप सेकेंड पेपर में देखें, तो इनके भी देखिए सेकेंड पेपर में 113 नंबर है, तो ये सामान्य नंबर नहीं है, इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है।
तो मेरा कंक्लूजन यही है, जैसे इनको 424 के आसपास जीएस में नंबर आए हैं, इनको 419 के आसपास आए हैं, तो हमको अपना उद्देश्य रखना है कि 400 से ज्यादा नंबर लाना है हमको किसी भी कंडीशन में। तो सबसे पहली बात है, आप लोगों को अपने जीएस पेपर पे बहुत ही शानदार तरीके से काम करना होगा। ऐसे पे जैसे ही आप जीएस पेपर को स्ट्रोंग कर लेते हो, ऐसे अपने आप स्ट्रोंग हो जाता है। इसको बस लिखना है आपको, और लिखने का तरीका क्या होना चाहिए ये मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? तो ऐसे साथ ही आपका ऑप्शनल पे भी बहुत ही बढ़िया कमांड होनी चाहिए। सामान्य पढ़ने से नहीं होगा और केवल कमांड करने से नहीं होगा, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी दोस्तों। यदि आप लोगों ने उद्देश्य तय किया है आईएएस बनना है, तो याद रखिएगा पीटी तो सबसे टफ है ही, पीटी सबसे एक बड़ी बाधा होती है एंटर करने का। लेकिन यदि आपने एंट्री मार ली है, पीटी पास कर लिया है, तो फिर मेंस में आपको, आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ गया और मैं एग्जाम हॉल में ही लिख दूंगा सब कुछ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बहुत एक असंभव सी बात है, क्योंकि वहां बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है। उसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप अपना 100% अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे मेंस में। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको लेखन शैली का विकास करना है, ढेर सारे टेस्ट सीरीज लिखने हैं। हमको ये नहीं सोचना है कि हमसे सही लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, आप एक बार शुरुआत तो करो। यकीन मानिए कई सारे बच्चे इस डर से नहीं लिख पाते हैं कि क्या हम सही लिखेंगे कि गलत लिखेंगे। याद रखना, जब तक लिखोगे नहीं, भले ही गलत लिखो, आप भले ही कितना भी बड़ा लिखो, एक पहल करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है? तो मेंस में हमको जीएस के चारों पेपर पे फोकस करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसमें भी एथिक्स पे, पेपर सेकंड पे हमको बहुत ही ज्यादा, पेपर सेकंड में आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, एक तरीके से सोशल जस्टिस, तो ये सारी चीजें करंट से एड ऑन करनी बहुत जरूरी है। इसमें फैक्चुअल नॉलेज, आर्टिकल्स, वाद, ये सब अपने आंसर्स में हमें ग्रहित करना पड़ेगा, इसी तरीके से एथिक्स है। तो पहली बात, दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है दोस्तों ऐसे, और तीसरी बात रखनी है ऑप्शनल। पर्सनैलिटी टेस्ट पे हम बाद में जाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट मेंस के बाद की बात है। और जब आप इतना कुछ पढ़ते हो ना, तो ऑब्वियसली आपको इतना सारा नॉलेज हो जाता है, तो फिर आप इंटरव्यू में भी अच्छा करते हो। तो इस तरीके से इनकी मार्कशीट हमने देखी, इतने नंबर लाओगे दोस्तों, हेडिंग है ना, थंबनेल है ना, इतने नंबर लाओगे तभी टॉपर बनोगे। और इतने नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इनके नंबर हम देखते हैं, ऐसे में 136 नंबर हैं, जीएस में एक तरीके से इनको 419 के आसपास नंबर आए, जो बहुत ही शानदार नंबर हैं। आप इनका देखोगे, हिंदी लिटरेचर से इनका सिलेक्शन हुआ है, तो हिंदी लिटरेचर में इनके बहुत बढ़िया नंबर हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में 193 नंबर, यहां से आप देख रहे हो कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में, मतलब इंटरव्यू में। यदि आप बेहतर, आपको नॉलेज है, आपकी एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप अच्छा करेंगे, ठीक है? तो इतने नंबर लाने पड़ेंगे टॉप करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को लेखन शैली विकसित करनी है, अपना नॉलेज, कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, डूब के पढ़ो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो, ये नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, अरे भाई निपटाना है शाम तक, निपटाने के लिए नहीं, उसको गल्प, उसको जो है ना ग्रहण करो अच्छे से। कोई भी विषय वस्तु है, पढ़ने के बाद आंख बंद करके सोचो कि क्या मैं ये 5-7 पॉइंट याद कर पाया या कर पाई, क्या मैं इनको लिखने की कंडीशन में हूं, ठीक है? तो इस तरीके के हमें अपनी प्रवृत्ति विकसित करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा लेखन का अभ्यास करना होगा। स्ट्रेटेजी पे मैं अलग वीडियो लेके आऊंगी, यहाँ इस वीडियो को लाने का मेरा उद्देश्य केवल ये दिखाना था कि इतने नंबर लाओगे तभी आईएएस में टॉप करोगे, और वो नंबर कैसे आएंगे, कहाँ कहाँ पे हमें मेहनत करनी है, उसका तरीका क्या होगा, ये सारी बातें कुछ मैंने यहाँ पे बताई। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आपको अपना जीएस बहुत ही शानदार करना है, ऐसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई विभेद होता ही नहीं है ऐसे में। और रही ऑप्शनल की बात, तो ऑप्शनल पे भी आपको बहुत ही ज्यादा पकड़ बनानी होगी। और यदि मैं तीन एरिया कहूँ ना, तो ऐसे, सेकंड पेपर, एथिक्स एंड ऑप्शनल, ये आप अगर बहुत अच्छा कर लेते हो, करंट ओरिएंट एक तरीके से पढ़ते हो आप सेकंड पेपर में, तो फिर आप बहुत अच्छा कर लोगे। तो होप अगली बार लिस्ट में आप लोगों का नाम होगा। इनके नंबरों से हमें कुछ सीखना है, इन्होंने बहुत मेहनत की है और वो रिजल्ट इन लोगों को मिला, तो यही रिजल्ट आप लोगों को भी मिल सकता है बकायदा स्ट्रेटेजी के साथ।
और बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत की जाए, सही दिशा में मेहनत की जाए। केवल ये नहीं कि किताबें पढ़ ली और मेंस हो जाएगा, ना, उसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखना होगा, टेस्ट सीरीज देनी होगी, उसके बाद हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी से। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।